हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मशरूम बटर मसाला, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। नान हो, रोटी हो या चावल हो, किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हम यहाँ पे बटर मशरूम का यूज करेंगे, जो कि हर सीजन में मिल जाते हैं। कोई भी ग्रोसरी दुकान हो या सब्जी मंडी हो, कहीं पे भी ये आसानी से मिल जाते हैं। पहले मैं ले गई हूँ बटर मशरूम, ये जो पैकेट में आते हैं ना, ये 4 पैकेट हैं। इसे हम पहले साफ कर लेंगे। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी को ऊपर डाल के पहले पानी डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक पानी में छोड़ेंगे। देखिए कितने आसानी से साफ हो जाते हैं। रगड़ रगड़ के इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। सारे धूल मिट्टी गंदगी जो होता है सारे निकल जाते हैं नमक और हल्दी की वजह से। इसे 5 से 6 बार ऐसे अच्छे से धो लेंगे। देखिए कितने साफ हो गए हैं। अभी इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और इसका छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अगर ज़्यादा बड़े हो तो आप 4 टुकड़े करिएगा, नहीं तो 2 टुकड़े में भी अच्छा होता है। देखिए सारे मैं कट कर ली हूँ। अभी इसकी मसाले की तैयारी करेंगे। एक ग्राइंडर जार में मैं ले गई हूँ 2 हरी मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, काजू 10 से 15, छोटी इलायची 2 और मगज जो होता है ना वो डाली हूँ थोड़ा सा, 1 चम्मच। मेरे पास नहीं था ब्लैक पेपर, इसीलिए मैं उसका पाउडर ले गई हूँ और दालचीनी पाउडर भी 1 चुटकी डाल दी हूँ। टमाटर को कट करके 2 इसमें डाली हूँ। अभी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए मैं पीस के ले आई हूँ। एकदम फाइन पेस्ट करना है। अभी इसे साइड में रख के हम गैस में कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डाल देंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता और 2 बड़े साइज के प्याज को मैं एकदम बारीकी से कट करके उसके ऊपर डाल दी हूँ। इसे भूनेंगे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसका फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। इसका कच्चा स्मेल जाने तक हम इसे भूनेंगे। भून जाने के बाद हमें उसमें डालेंगे मसाले। ये धीमे आंच में ही हमें करना है, ज़्यादा हाई कर लेने से ये अच्छे से भूनेंगे नहीं। अभी 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल दी हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। उसके ऊपर डाल देंगे जो मसाले हम ग्राइंड करके रखे थे। अभी धीमे आंच में ही इसे हम पकाएंगे जब तक कि तेल कढ़ाई से छोड़ने ना लगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल के इसे लो फ्लेम में हम भूनेंगे 8 से 10 मिनट तक। ये मसाले थोड़े भूनने में टाइम लगते हैं, लेकिन बनने के बाद ये बहुत अच्छे लगेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच और मैं किचन किंग मसाला 1 चम्मच डाल दी हूँ। अभी इसे हम ढक ढक के अच्छे से भूनेंगे तेल ऊपर आने तक। देखिए थोड़ा सा आने लगा है, लेकिन अभी ये और 1-2 मिनट इसे लगेंगे अच्छे से भूनने में। इसे ढक लेंगे।
आप किसी के भी साथ इसे खाने से ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। देखिए तेल ऊपर छोड़ने लगा है। जब तक ये तेल ऊपर ना आए तब तक हमें भूनना है। अभी मलाई में डाल दी हूँ 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना नहीं डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर डाल देंगे सारे मशरूम को। अभी गैस की फ्लेम को हम कर देंगे हाई क्योंकि इससे बहुत सारे पानी निकलते हैं। चारों तरफ से अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम में इसे ढक के पकाएंगे। देखिए कितने पानी निकले हैं इससे, मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ, मशरूम का जो पानी होता है ना वही है। इसे बीच बीच में इसे चलाते चलाते हम पकाएंगे 10 मिनट तक। इसका पानी एकदम से जब तक सूखा ना हो जाए तब तक। एक बार इसे मेरी तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। और ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, बस एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम थोड़ा सा इसे लो फ्लेम में इसे गैस में बिठा के रखेंगे। और आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं, जितना देखने में लग रहे हैं ना उतना टेस्टी भी लगता है। एक बार इसे ज़रूर बना के खाएं। इसके सामने ना नॉनवेज भी फेल है अगर आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे तो। अभी देखिए मैं एक कोयला को थोड़ा आग लगने तक गैस में लगाई हूँ, ये अच्छे से जलने के बाद हम इसमें बटर डाल के स्मोकी फ्लेवर करेंगे जो कि बहुत अच्छा लगता है, एकदम से ढावे जैसा लगता है। देखिए हो गया है। एक बर्तन में मैं बीच में रख दी हूँ कढ़ाई के, और उसके ऊपर वो कोयला को डाल के बटर डाल देंगे ऊपर, और जो धुआं निकलेगा ना हम इसे बंद करके रख देंगे तो बहुत अच्छा स्मेल आता है। एक बार इसे मेरी तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।